हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एमवी मास्टर वीडियो ऐप है क्या। जी हाँ, इसका एड मैंने काफ़ी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं। आखिर में है क्या, इसे हम जानेंगे और कैसे इसमें हम अपना खुद का वीडियो बना सकते हैं। मान लीजिए कि हम जेंट्स हैं और अपना वीडियो चेंज करना चाहते हैं, यानी लड़की से जेंट्स से हम लड़की में वीडियो बनाना चाहते हैं अपना खुद का, तो इसमें हम बना सकते हैं। बने रहिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ऑन कर दीजिए ताकि हमारा हर अपडेट आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा। मैं वैसे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप मेरे लिंक से जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। प्ले स्टोर पर काफ़ी इसका डाउनलोड बढ़ गया है, इसका रेटिंग भी अच्छा खासा है। तो चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ और इसमें देखता हूँ कैसे हमें वीडियो बनानी है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से इंटरफेस खुलेगी और खुलने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपको स्टार मेकिंग पे आपको क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद देखिए, हम क्लिक करें और यहाँ पे अलाउ का परमिशन मांगेगी तो हम अलाउ कर देंगे। और अलाउ करने के बाद यहाँ से हम कोई भी एक फ़ोटो ले सकते हैं। मान गए मुझे फ़ोटो लेना है तो मैं ले लिया, और यहाँ से हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर हम जब भी क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर काफ़ी सारा स्टिकर आएगा। यहाँ से देखिए, हमारा इसमें फ़ोटो चेंज होते जा रहा है, यानी कि कितने प्रकार के हमारा इसमें फ़ोटो दिखाएगा। यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे लोगो को आप कट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप जैसा रखना चाहते हैं वैसा रख सकते हैं। मान लीजिए मुझे इस टाइप का रखना है तो इस टाइप का हम इस लोगो को रख सकते हैं। और यहाँ से एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पर देखिए म्यूजिक का है, यानी खुद का आप इसमें गाना लगाना चाहते हैं शौक, तो यहाँ पर म्यूजिक पर क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारा इसमें सॉन्ग है, यहाँ से हम सॉन्ग इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे अभी सेलेक्ट नहीं करना है। देखिए मैं यहाँ पे मैजिक का ऑप्शन है, यहाँ पे मैजिक यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसा आपको मैजिक लगाना है वैसा आप इसमें मैजिक लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैजिक पे मैंने क्लिक किया और इस तरह से इसमें हमारा मैजिक चेंज होते जा रहा है। अब देखते हैं इसमें हम और भी कैसा कैसा इसमें मैजिक दिया हुआ है। और यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मैजिक पर क्लिक करके जो आपको इफेक्ट लगाना है, मैजिक लगाना है, यहाँ से फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस अपने फ़ोटो को फ्रेश कर सकते हैं, जैसा रखना चाहते हैं वैसा रख सकते हैं। और एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर देंगे। चलिए मैंने फाइनली यहाँ पे साइज़ आपको एमबी कितना एमबी का आपको बनाना है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे हमारा प्रोसेस कम्प्लीट हो रहा है। जब भी प्रोसेस कम्प्लीट होगा यहाँ से हमारा फ़ोटो बन जाएगी। तो हम देखते हैं कितना देर में बनता है, मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर दूँ। देखिए हमारा फ़ोटो फाइनली इसका प्रोसेस कम्प्लीट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया है। और यहाँ से किसी भी सोशल मीडिया पे हम शेयर कर सकते हैं, यानी सेव भी कर सकते हैं अपने मेमोरी में। तो चलिए लोकल यहाँ पे सेव टू लोकल यहाँ पे लिखा है, यहाँ से हम सेव कर सकते हैं। यहाँ हम छोड़ दिए हैं। मान लीजिए आपको लड़की वाला फ़ोटो बनाना है तो आपको किस पे क्लिक करना होगा। देखिए मैंने यहाँ पर काफ़ी सारा ऑप्शन देखा हूँ, इस पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए इस तरह इसमें काफ़ी सारा ऑप्शन है, जिस तरह से आप इसमें देखिए इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, चलिए मैंने फाइनली इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद देखते हैं किस तरह से इसमें हमारा फ़ोटो चेंज होते जाएगा, तो हम देख लेते हैं। और यहाँ से हम क्लिक करेंगे और एक फ़ोटो मैं अपना यहाँ से उठा लूँगा और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे हम। चलिए नेक्स्ट किए और इसमें हमारा फ़ोटो किस तरीक़ा से इसमें चेंज होते जाएगा, तो देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद हमारा फ़ोटो इसमें कैसे चेंज होगा तो हम देखते हैं। तो देखिए इस तरह से आप इसमें अपना फ़ोटो चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारा ऑप्शन है जहां से आप फ़ोटो यहां से अपना कोई भी यहां पर फ़ोटो लगाकर चेंज कर सकते हैं। देखिए काफ़ी सारा यहां पे इफेक्ट है, इस तरह के आप फ़ोटो डालकर इसमें वीडियो बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। कैसे कैसे इसमें वीडियो बना है देखिए, काफ़ी सारा ऑप्शन है जहाँ से आप इसमें खुद का एक अपना बेस्ट वीडियो बना सकते हैं। और देखिए इसमें हमारा फ़ोटो किस तरीक़ा से चेंज होते जा रहा है। मैंने इसमें अभी अभी फ़ोटो बनाया हूँ, इस तरह से अभी इसमें फ़ोटो आप अपना खुद का चेंज कर सकते हैं। आपका मान गए कि आपको गर्ल का फ़ोटो बनाना है वो भी बना सकते हैं। देखिए जैसे कि मेरा इसमें बुढ़ापा का भी सीन इसमें आ रहा है, उस तरह से आप भी बुढ़ापा वाले फ़ोटो बना सकते हैं।
काफ़ी सारा ऑप्शन है बुढ़ापे वाले फ़ोटो के लिए, आपको यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लेना होगा, उसके बाद उसमें आप अपना एक फ़ोटो बना सकते हैं। देखिए इस तरह से इसमें कैसे कैसे फ़ोटो ये बन रहा है। तो यही वो ऐप की खासियत है जिसे आप किसी भी फ़ोटो को बेस्ट से बेस्ट आप बना सकते हैं अपने फ़ोटो को, और किसी भी सोशल मीडिया पर शेयर करके टिकटॉक लाइक ऐप पे आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यू पा सकते हैं और लाइक कमेंट पा सकते हैं। और चलिए मैं इस पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, और यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से हम इस तरह के अगर फ़ोटो बनाना चाहते हो फिर भी बना सकते हैं। देखिए इसमें काफ़ी सारा फ़ोटो है, देखिए मान गए कि मुझे इस तरह का फ़ोटो बनाना है, तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से इस तरह से इंटरफेस आएगा, और यहाँ से हम एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कर दिया, और नेक्स्ट करने के बाद इस तरह से इसमें हमारा फ़ोटो शो कर देगा। तो देखिए हमारा इसमें प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फाइनली इसमें हमारा वीडियो बन जाएगा। देखिए इस तरह से आप बेस्ट वीडियो बना सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में इस ऐप के माध्यम से। एमवी वीडियो बहुत अच्छा ऐप है, एमवी मास्टर वीडियो एडिटर बहुत अच्छा है, इसमें आप वीडियो बना सकते हैं और किसी भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं। देखिए काफ़ी का लुक लग रहा है, काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है। तो इस तरह से आप वीडियो बनाएं और इंजॉय करें, और इसमें जैसे जैसे आप इस वीडियो इस ऐप में आप काम करेंगे, आपको सारी की सारी नॉलेज जानकारी हो जाएगी कि क्या क्या है इस ऐप के अंदर। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए। मैं एमपीलन मिलेंगे आप सबसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।